नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज हम पहुंचे हुए हैं गिगोरानी गांव के भविसा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। यहां पर रोल प्ले कार्यक्रम एक आयोजित किया जा रहा है। स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम है और स्कूली बच्चों की तरफ से अलग अलग यहां पे स्टॉल लगी हुई है, गेम्स की स्टॉल है। तो इसके अंदर बच्चों को जो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा समझ जो कैसे क्रिएट की जाए, इस जो गेम है इनसे ये एक संदेश देने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो फिलहाल हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉल लगी हुई है और यहाँ पर बच्चे जो हैं अलग अलग गेम्स के माध्यम से, अलग जो रूटीन से हटकर एक नॉलेज जो है उनको मिल रही है अलग अलग गेम से। तो कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह का क्या इनका इस जो गेम है इससे क्या इनको सीखने को मिल रहा है। जी, कौन सी क्लास है आपकी? 8th क्लास। क्या ये जो गेम है इससे आपको किस तरह की क्या सीखने को मिल रहा है? इस गेम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, इससे हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। और इनके अंदर बच्चे इसलिए ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि उत्साह होता है उन्हें प्राइज जीतने का, कुछ खेलने का, इसीलिए सारे बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं। शिक्षा के से हटके अगर ये है तो और क्या इसका फायदा क्या है बच्चों को? बच्चे आगे जाके जीत सकते हैं, प्राइज जीत सकते हैं, अलग अलग लेवल्स पे जा सकते हैं। मैं सृजना आपको बताना चाहती हूँ, ये चिक्स गेम है जिसमें चिक्स को रखा जाएगा और जिस सबसे पहले अपने चिक्स को पहुँचाएगा विद द हेल्प ऑफ अ हैंड और अपने दानों से पहुँचाएगा, उसे अपनी रेस में जीता जाएगा जिसे ये प्राइज दिए जाएंगे। यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं और खेल खेल जा रहे हैं, इसमें हमें कूपन की ज़रूरत पड़ेगी, वो कूपन 20 रुपये का है। हर गेम के ऊपर कूपन लेने पड़ेंगे और हर कूपन 20 रुपीज़ का है। तो हमारे ये 3 गेम हैं जिसमें एक कार्ड गेम है, उसमें आपको 3 कार्ड उठाने हैं, उनका सम टोटल 30 आना चाहिए। और एक ये गेम है, इसमें आपको 2 गटियाँ डालनी है और एक क्वीन होनी चाहिए, एक येलो कलर की होनी चाहिए। और वो गेम है जिसमें आपको 5 गटियाँ मिलेंगी, उनका सम 25 आना चाहिए। ये जो गेम है अलग अलग स्टॉल लगी हुई है, इससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है? इसमें स्टूडेंट को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है और है ना, उनको अच्छे अच्छे बिहेवियर पता चलते हैं, जैसे शॉपकीपर कैसे बात करते हैं, तो वो बिहेवियर उनका अच्छा होता है इस चीज़ से। गुड ऑर्नर ऑफ यू, माई नेम इज़ फ्यूज फ्रॉम क्लास 8। टुडे वी आर रिसाइटिंग अ गेम इन द फेयरवेल ऑफ भविष्य इंटरनेशनल स्कूल हेल्ड इन 21 February 2020। दिस इज स्टॉल नंबर 1 एंड देर आर 3 गेम्स नोन एज, फर्स्ट इज फ्रिस्बी गेम, सेकेंड इज ब्रेक डाउन द ग्लास गेम एंड थर्ड इज पुट द बॉल इन द होल गेम। तो ये बता रहे हैं कि इससे बच्चों को अलग अलग जो कंपटीशन है किसी भी तरह का हो उसके अंदर इसका फ़ायदा होगा भविष्य के अंदर, और साथ साथ इनको जो है ये भी है कि एक बचपन इनको यहाँ पे, एक बचपन में जो गेम खेले जाते हैं वो गेम यहाँ पर इनको शो हो रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, इससे इनको एक्स्ट्रा और जो एक बचपन भी इनको याद आता है और एक मनोरंजन भी इनका यहाँ पर हो रहा है। आज हम भविष्य स्कूल में भविष्य फेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। फेस्ट का मतलब नॉर्मली होता है फेस्टिवल, जिस तरीके से त्यौहार हम अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, इन द सेम वे आज फेस्टिवल में हम सभी स्कूल के पेरेंट्स और बच्चों के साथ एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस फंक्शन का मेन मोटिव जो है वो बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना एज वेल एज़ कॉन्फिडेंट बनाना। तो स्टेज परफॉर्मेंस हैं जिसमें बच्चे रोल प्लेस करेंगे, रोल प्लेस के थ्रू वो अपने आप को दिखाएंगे कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में कितने डिफरेंट हैं, उनके कैरेक्टर्स में वो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। इन द सेम वे स्कूल के अंदर कुछ स्टॉल्स ऑर्गेनाइज़ की हैं बच्चों ने अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। उस स्टॉल में उन्होंने कुछ गेम्स डिज़ाइन की हैं और ये गेम्स जो हैं वो दूसरे पेरेंट्स और बच्चे खेल कर देखेंगे और किस तरीके से बाहर की दुनिया में जो कि बहुत डिफरेंट है, वो आज ये एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर तरीके की प्रॉब्लम, हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। तो यही हमारा मेन मोटिव है। यहाँ बच्चों को सिर्फ इंग्लिश सिखाई नहीं जाती बल्कि बच्चे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हैं। और इस तरीके से स्टेज परफॉर्मेंस, जैसा आपने देखा कि स्टेज परफॉर्मेंस में बच्चे नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक सभी बच्चे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
एक्चुअल में हर स्कूल का ये मोटिव होना चाहिए, बच्चों के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, एक हर एक बच्चा इम्पॉर्टेंट है ये महसूस कराना। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनमें क्वालिटीज़ हैं उन बच्चों को आगे प्रमोट किया जाता है, और जिन बच्चों के अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो हिडन क्वालिटीज़ कह सकते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता मेरे हिसाब से जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, हिडन क्वालिटीज़ को बाहर निकालना। तो हम हर बच्चे को हर तरीके की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकेडमिकली ही स्ट्रॉन्ग हो, बच्चा टैलेंटेड हो सकता है किसी और स्किल में, और वो स्किल को हम कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बच्चा अगर नहीं बोल सकता तो भी उस स्टेज पर उसको ऐसी चीज़ें देने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, यहाँ पर बेसिक एटिकेट्स, टेबल मैनर्स, बात कैसे करनी है, लोगों को विश कैसे करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। यही हमारा मोटिव है, और अच्छी पढ़ाई के साथ जब ये सब कुछ मिलता है तो हर पेरेंट को लगता है कि मुझे अपना बच्चा ऐसा ही चाहिए।